किसान बिल के विरोध पर अड़ी समाजवादी पार्टी ने अब किसानों का समर्थन पाने के लिए गांव चलो अभियान शुरू किया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के निर्देश पर शुरू हुए इस अभियान के तहत गांव वार चौपाल लगा सपा कार्यकर्ता किसानों का समर्थन जुटा रहे हैं। कन्नौज में आज से शुरू हुए इस अभियान को सफल बनाने के लिए सपा नेता सुबह से जुटे नजर आए। कन्नौज के वरिष्ठ सपा नेता व पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में गांव चलो अभियान शुरू हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की दिशा निर्देश पर एक गांव चलो अभियान में जो किसानों पे काले कानून लगा दिए गए हैं, किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें समर्थन देने के लिए, किसानों को जगाने के लिए हम लोग गांव-गांव पहुंच रहे हैं और चौपाल लगाकर बता रहे हैं कि किस तरीके से ये पूंजी सरकार पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रही है, पूरे देश को गिरवी रख रही है, किसानों पर कैसे काले कानून लगा दिए गए, थोड़े दिन बाद किसानों की हालत क्या हो रही है, देश आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ रहा है। सपा नेता गांव-गांव चौपाल लगाकर किसान बिल की खामियां बता रहे हैं। सदर के हैबतपुर, कटरा व करनपुर सहित आधा दर्जन गांव में किसान जागरूकता चौपाल लगी। चौपाल में सपा नेताओं ने केंद्र के किसान बिल को पूंजीपतियों का गुलाम बनाने वाला बिल करार दिया है। केंद्र सरकार पर बरसते हुए सपा ने कहा कि देश को आर्थिक गुलाम बनाने वाली सरकार अब नए बिल से किसानों को पूंजीपतियों का गुलाम बनाना चाहती है। द पंजौरा न्यूज के लिए कन्नौज से दिलीप कुमार की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।